एंशियंट डिब्रीज, वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट आइटम इन माइनक्राफ्ट, और आज हम उसे ढूंढने वाले हैं। ओके, तो अभी तक मुझे चार एंशियंट डिब्रीज मिल चुकी है, शायद से मुझे पता नहीं है, हाँ चार मिल चुकी है मुझे। और इससे हमको ये नेदरराइट स्क्रैप मिलता है एंशियंट डिब्री कलेक्ट करने से, तो क्या करते हैं इसका मुझे अभी पता नहीं है। रुक जाओ, मैं अपने सीक्रेट एकदम बैलर में रखूँगा इसे इसके अंदर। तो चार हो चुके हैं अभी, और मैं पिकैक्स लेने से पहले मैं जाऊँगा थोड़ा एक्सपी कलेक्ट करने, ताकि मैं अपना पिकैक्स एक नया नवेला बना सकूँ, और उसमें थोड़े बहुत एंचेंटमेंट लगा सकूँ तगड़े वाले, ताकि हम नेदरराइट आराम से, नहीं जो भी बोलते हैं उसे, एशियन डिब्रीज आराम से ढूंढ सकें। ओके, तो मुझे अभी 30 तक चाहिए अपना जो भी बोलते हैं लेवल, या जो भी अचीवमेंट क्या बोलता है, एक्सपीरियंस, सॉरी हाँ एक्सपी, मुझे 30 एक्सपी चाहिए अभी। ओ लुक, टॉर्चेस ऑल ओवर द प्लेस, और ये सब इसलिए गई है क्योंकि यहाँ पर वाटर गिर गया था, और ये थोड़ा सा मेरा एक्सपेरिमेंट टाइप का था कि सोल सैंड से मैं ऊपर जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, पर आई फाइनली मेड इट। व्हाट द फक, हाँ आप जा रह सकते हैं हम ऊपर यहाँ से टावर के, और 5 मिनट तक हमको ऊपर ही रहना है, ऐसा पता नहीं क्यों करना पड़ता है, ताकि मॉब नीचे स्पॉन हो जाए इसीलिए। तो आई सी यू गाइस इन 5 मिनट्स। ओके, मेरे से ज़्यादा वेट नहीं हो रहा, तो आई एम गोना जंप। ओ 5 मिनट कौन रुक सकता था यार, ऐसे क्रीपर वहाँ फट देता है मेरा, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा मुझे यार इसको, मारो दूर से ही। ओए फट गया क्रीपर, स्पॉन ही क्यों होता है यहाँ पर, सेटिंग होनी थी माइनक्राफ्ट के अंदर क्रीपर स्पॉन ना हो। ओ मकड़ी ऊपर चल गई, बहुत चंड छोरी है ये तो। अरे लेवल 30 तक पहुँचा दो यार, कोई बात नहीं मैं तुमको मिलता हूँ लेवल 30 पहुँचने के बाद एक्सपीरियंस में। लगता मुझे 5 मिनट ही रुकना पड़ेगा वहाँ पर, तभी ज़्यादा स्पॉन हो पाएंगे ये लोग। ओके आई सी यू गाइस इन अ बिट। तो फाइनली मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है 30, और मेरे पिकैक्स तुम लोग देख पा रहे होंगे आधा टूट चुका है, मतलब आधा ख़त्म हो गया है ये, वो इसलिए क्योंकि मैं माइन ही कर रहा था एशियन डिब्रीज, और इसलिए ख़त्म हुआ है ये। ओ लुक एट दिस, मेरे पास बहुत डायमंड है, आई एम रिच यू नो। तो हमको स्टिक चाहिए और डायमंड चाहिए ऑब्वियसली, तो सबसे पहले मुझे इसको एन्चेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। लैपिस लाजुली मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसको यहाँ डालते हैं और देखते हैं कि क्या एन्चेंटमेंट मिलती है मुझे। एफिशिएंसी 4 ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं, छोड़ो। अनब्रेकिंग 3 शायद मेरे हिसाब से सही एन्चेंटमेंट है, पर मुझे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है एन्चेंटमेंट का, तो आई डोंट नो। मैं एक सॉर्ड भी ले लेता हूँ, सॉर्ड तो हम कैसे भी ले लेंगे क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट सॉर्ड। बेन ऑफ आर्थोपोडोस, भाई ये क्या मैथ लगा दी इसमें, मैथ में था शायद आर्थोपोडोस मुझे लग रहा है, जो भी है कोई बात नहीं। अभी मुझे अपनी आयरन की यूज़ करनी पड़ेगी, जब ये टूट जाएगी तब हम करेंगे डायमंड की यूज़। और लेट्स गो टू द नेदर एंड फाइंड सम एशियन डिब्रीज। और लुक एट दिस गास अटैक, मेरे को पता था अटैक होना ही है मेरे बेस में, पर मैंने फन के लिए बनाया था ऐसे, तो मुझे पता टूट नहीं है ऐसे। तुम लोग को अगर पता नहीं है तो मेरी माइन यहाँ पर आके है नीचे। ओ वाह, मैं कभी कभी इसका रास्ता भूल जाता हूँ अपनी माइन का, पता नहीं कैसे पर मैं भूल जाता हूँ रास्ता, तो यहाँ क्या करूँ मैं कि रास्ता याद रहे मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं टॉर्चेस लाने भूल गया हूँ, कितना मस्त हूँ यार, मैं टॉर्चेस लेने चलो यार वापस अपने वर्ल्ड के अंदर। ओके आई सी यू गाइस इन अ बिट। तो मैंने पूरा एक स्टैक रख लेता हूँ मैं यहाँ पर टॉर्चेस का, ताकि मुझे कमी ना पड़े, और अगर हमको ज़्यादा बनानी पड़ेगी तो मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मैं ले भी जा रहा कोल और स्टिक। वैसे मुझे एंशियंट डिब्रीज मिल ही जाएगा, इसका गोल है हमारा कि एक तो टूल कम से कम बन पाए। वैसे मुझे पता नहीं है कि वो मतलब हमको नेदरराइट जब मिल जाता है, नहीं सॉरी एंशियंट डिब्रीज जब मिल जाता है हमको, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, पर वो हम देख लेंगे नेट में क्या करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अभी सच में कोई आइडिया नहीं कि क्या करना है उसके बाद मिलने के बाद उसे, मतलब किस तरीके से हम अपने। तो मैंने यहाँ पर बना रखा था एक और दो सुरंगे यहाँ पर तुम लोग कह सकते हो, और मुझे एशियन डिब्रीज मिल गया था बहुत ही आराम से, तो मैं सोच रहा हूँ कि तीसरी में यहाँ बनाऊँ। सो लेट्स माइन सम एशियन डिब्रीज, और मुझे जो चीज़ें मिलती रहेगी बाकी वो भी हमको उठानी पड़ेगी। और मैं एक चीज़ करना भूल गया, मैं अपने चेस्ट लाना भूल गया, वरना मैं चेस्ट ला सकता था, और जब मेरी इन्वेंटरी फुल हो जाती तो मैं ये फालतू का जो सामान हमको मिलता है माइनिंग करते हुए उसके अंदर हम रख सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं एशियन डिब्रीज ढूंढने के, पहला तरीका तो यही है जो मैं कर रहा हूँ अभी, माइन करना है। दूसरा तुम लोग को पता होंगे तरीके वैसे तो, पर मैं फिर भी बता देता हूँ तुम लोग को, हम बेड से कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि बेड यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है TNT की तरह, नेदर के अंदर हम सोड़ नहीं पाएंगे, तो हम अपने लिए कोई प्रोटेक्शन लगा के और बेड फोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एशियन डिब्रीज ब्लास्ट साइड नहीं लेती है, ब्लास्ट मतलब नहीं होती है, वो टूटती नहीं है ब्लास्ट से, तो इसीलिए हम बेड से या फिर TNT से फोड़ सकते हैं चीज़ें अपने आसपास की, और सब चीज़ फूट जाएगी, बस एशियन डिब्रीज बच जाएगी। पर वो तरीके थोड़े डेंजरस हैं, क्योंकि आई डोंट नो डेंजरस हैं वो, तुम लोग को नहीं पता क्या,
मैं ये सब यहीं भर लेता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जा रही फालतू के ब्लॉग्स है मेरे पास इतने सारे। ओके, तो वो दोनों तरीके बहुत डेंजरस हैं क्योंकि ऑब्वियसली डेंजरस होंगे वो, क्योंकि कितना बोल रहा हूँ यार मैं, तो वो दोनों तरीके डेंजरस हैं इसलिए मैं ऐसे ही माइंड कर रहा हूँ अभी। तो तुम लोग ये बोर हो जाओगे वीडियो देख के, तो तुम लोग जा सकते हो बाय, और अगर तुम लोग को देखनी है तो देखो एट योर ओन रिस्क। वैसे ओन रिस्क नहीं है मेरी वीडियो देखने में। ओ ओ लावा भाई, ओ लावा कितना आगे तक आ रहा है भाई, ये क्या है इसको बताओ, लावा भी होता है इसमें। तो आई हैव एन आइडिया, लेट्स डू, वाओ आई एम एन इंजीनियर। मैं सीधा सीधा चलने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं मुड़ने की कोशिश ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं लावा यहाँ से बंद कर दूँगा हर जगह से, यू नो आई एम ए बिग ब्रेन। तो लेट्स फाइंड दिस शिट, कितनी यहाँ पर चीज़ भाई, क्या चीज़ है ये, क्या ये मिट्टी सी है क्या बताओ, नैदर में मिट्टी होती है यार, पहली बार देखा मैंने ये चीज़। ओके, तो यहाँ पर ये रुकी नहीं रही है बहुत पहले से, ये मिट्टी सी पता नहीं यहाँ पर क्या जमी हुई है। तो मैं सारी टॉर्चेस हटा रहा हूँ अपनी यहाँ से क्योंकि मुझे भयंकर गुस्सा आ रहा है, भयंकर गुस्सा भयंकर, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये माइंड हम बंद कर रहे हैं, अबैंडेड कर रहे हैं इस माइंड को हम। ओके, तो मैं मिलता हूँ तुम लोग को थोड़ी देर में अभी। ओके, तो माइंड करते करते मुझे यहाँ मिली है एशियन डिब्रीज, व्हाट द फक, और मैं इसके ऊपर से चल गया था और मुझे पता चला कि एशियन डिब्रीज ऐसी होती है, ऐसी मैंने माइंड कर रखी है पहले। ओके, और दो हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तुम अपना टाइम लो आराम से और इसके आस पास, ओ गिर गया था अभी, माइंड करो कि कितनी है ये। हाँ दो ही हैं मुझे लग रहा है। ओ वाओ, एपिक मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो यही था आज की वीडियो के लिए, अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, वेट वीडियो एंड नहीं हो रही अभी। ओके, अभी इससे क्या करते हैं और क्या चीज़ बनती है एशियन डिब्रीज से, वो भी हमको जानना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने हम वर्ल्ड की तरफ, और मैंने माइंड की जगह बहुत बार चेंज करी क्योंकि मुझे ये अजीब से काले से पत्थर मिले थे बार बार, ये कैप बासाल्ट पता नहीं बासाल्ट क्या है ये चीज़, ये बार बार मुझे मिली जा रही थी और इसको माइंड करना बहुत ही मेरे लिए इरिटेटिंग सा हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी माइंड की जगह बहुत बार चेंज करी माइनिंग की जगह। सो या मैं ये बताना था तुम लोग को, और अभी दो मुझे और मिल चुकी हैं, शायद इसको हम डालेंगे अपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, और पता नहीं क्या क्या बनता है इससे, पर मैं अभी देख के आता हूँ कि क्या बनता है इससे, क्योंकि मुझे सच में ही नहीं पता कि बनता क्या है एशियन डिब्रीज से, मतलब यूज़ कैसे कर सकते हैं इसे, इसके टूल्स कैसे बन सकते हैं। जा रहे हैं हम अपने वर्ल्ड की तरफ। ओके, ये कौन आ गया मेरे साथ, मेरा मेहमान, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे डालना है इसको अपने इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, कहाँ है एशियन डिब्रीज, ये रही, और इससे हमको मिलेगा नेदराइट स्क्रैप जो कि मेरे पास अभी है। तो तुम लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर अलग से चेस्ट बना रखा है जो मुझे नेदर से चीज़ें मिलती हैं वो रखने के लिए, और काफ़ी चीज़ें मिली मुझे नेदर से, ये जब बाकी ट्रेडिंग से मिला है मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने देखी होगी मेरी पिछली वीडियोस माइनक्राफ्ट की। ओके, तो होने देते हैं इसे, रुक जाओ, और शायद इसके अंदर अपना कोई नॉर्मल टूल डालते हैं जैसे कि कोई डायमंड की सॉर्ड, और उसके साइड में जब हमको ब्रिक मिलेगी एक, कहाँ है नेदर ब्रिक कम आएगी क्या मेरे, पता नहीं है मुझे सच में बनाने नहीं आता इसे क्या होता है इससे। ओके, तो मैं चेक करता हूँ नेट में। ओके वेट अ वाइल, ओके तो हमको बहुत सारा गोल्ड चाहिए अभी, बहुत सारा नहीं, गोल्ड इंगेट चाहिए मुझे अभी, दो से काम नहीं चलेगा शायद, मुझे तीन चाहिए, तीन ही मुझे चार गोल्ड इंगेट चाहिए अभी। तो क्या कर सकते हैं यार अभी, क्या टट्टी गेम है ये। ओके सॉरी, हमको गोल्ड चाहिए अभी, तो गोल्ड मुझे कहाँ से मिल सकता है, ओ मेरे पास है गोल्ड बनाने की मशीन अपनी, मेरे पास गोल्ड नगेट हैं, और गोल्ड नगेट से हम बना सकते हैं शायद गोल्डन इंगेट, ऐसे बनता है क्या, हाँ ऐसे ही बनता है। तो मैं सारे के बना लेता हूँ, मेरे पास 64 है, ओ लुक एट दिस 9 बन चुके हैं। उसके बाद हमको फिर से क्राफ्टिंग टेबल में जाना है, और शायद ऐसे बनता है ये चीज़, वाओ क्या है ये नेदरराइट इंगेट। उसके बाद एक और बना सकता हूँ क्या मैं, एक और बनाने के लिए मुझे अभी चाहिए थोड़े बहुत और, तो उसके बाद अब मुझे जाना है अपने इस टूल के अंदर अपग्रेड गियर, क्या है ये, रुक जाओ मुझे सबसे पहले एक आयरन, रुक जाओ मैं देख के देता हूँ, जैसे मैंने सॉर्ड डाली यहाँ पर और ये डाला, वाओ क्या है ये नेदरराइट सॉर्ड, मैं नहीं लूँगा इसे अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा कीमती माल है। तो अभी मुझे चाहिए एक बन एकदम नई नवेली एकदम सॉर्ड जो कि मेरी दिल के करीब सॉर्ड हो, रुक जाओ मैं देख के आता हूँ मेरे पास कोई सॉर्ड है तो ऐसे, और मेरा दिमाग दो जगह जा रहा है, मैं सॉर्ड बनाऊँ इससे या फिर पिकैक्स बनाऊँ। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि मैं इस नेदराइट इंगेट से एक सॉर्ड बनाऊँ या एक पिकैक्स बनाऊँ, और मेरे ज़्यादा काम क्या आएगा, एक सॉर्ड या एक पिकैक्स,
ओके कमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो के लिए इतने था। अगर तुम लोग की वीडियो पसंद तो नहीं आई होगी वैसे, कमेंट करना तुम लोग को कि मेरे को क्या बनाना चाहिए इस नेदराइट का जो भी सामान होता है, क्या बनाऊँ मैं उससे। और मैं मिलूँगा तुम लोग को अगली वीडियो में। बाय बाय।